जान्ते जान्ते रे वहा जान्ते सावा जान्ते रे वे यतो यदा समीयते ततुनो अभयं गुरो सन्नः गुरु प्रयाभ्यो पहले की पूर्व भी आप देखते आए माघ मेला हो चाहे अब कुंभ हो, इतने भव्य और दिव्य तरीके से कभी माघ मेला नहीं कभी भी नहीं हुआ करता था। तो अभी हमारा ये जो बीजेपी सरकार है, जो माननीय योगी जी हैं, इन्होंने इतने अच्छे से हमारे संस्कृति को, हमारे परंपरा को, हमारे धर्म को आगे लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी हम गर्व करती हूँ कि हमारे सरकार को, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे माननीय योगी जी को, ताकि उन्होंने इतने अच्छे से हमारे बीते हुए हमारे कुंभ गया 2019 का और ये माघ मेला, तो अभी भी खूब अच्छे से दिव्य से भव्य से हमारा माघ मेला होगा। कुंभ की तरह सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हर वर्ष किन्नर अखाड़ा माघ मेला का स्नान हो या कुंभ मेला का स्नान हो, किन्नर अखाड़े का अपना एक टेंट लगता है, तो इस बार किन्नर अखाड़ा पिछले साल की अपेक्षा क्या विशेष करेगा, क्या किस तरह से कल्पवासियों को या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या आपकी तैयारी है, किस तरह से आप मेला क्षेत्र में जाएंगे? विशेष तो कुछ नहीं है, खास करके हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहले तो दाता जजमान के लिए हम लोग सवा महीना कल्पवास करेंगे माघ मेले में, और गंगा मैया के रोज स्नान करके देशवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबके घर में सुख शांति बना रहे, सबके घर में खुशियां आवे, हमारा यही प्रार्थना है और यही कामना करेंगे गंगा माई से। और हर साल की तरह अब की भी किन्नर अखाड़ा दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से सजेगा और आप सभी को मैं दिल से स्वागत करूँ। कहाँ कहाँ से मंडलेश्वर आएंगे, जो संत महात्मा आएंगे? पूरा देश भर के, पूरा हमारे जितने भी देश के महामंडलेश्वर हैं सब कोई आएंगे, महान मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और संत महंत सब आएंगे। माता जी, लगातार एक बातें निकल के सामने आती है, कई बार विवादित हुआ कि जैसे किन्नरों के नाम से बहुत सारे लोग अवैध टाइप के जो होते हैं।